वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद आ चुके हैं जनाब और हमारे साथ टैलेंट भी आ चुका है। हमारे साथ मौजूद होंगी बीनिश अहमद जो कि एक आर्टिस्ट हैं और इसके साथ साथ एनआर सिस्टर्स होंगी जो पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं। तीनों को वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप तीनों? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बीनिश, आप सबसे पहले तो हम आपसे बात करें, बेसिकली आप पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, ये आप हमें डिफाइन करेंगे और उसके बाद पूछेंगे कि आपका आगाज कैसे हुआ। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि मेरा आगाज़ जो मेरा शौक था एक आर्टिस्ट बनने का, वो बचपन से ही था मेरा। ना बचपन में तो मैं छोटी छोटी ड्राइंग्स बनाती थी, कॉपी वर्क दूसरे आर्टिस्ट को देखकर उनकी कॉपी करना काफ़ी पसंद था मुझे। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरा शौक और भी पुख्ता हो गया, बढ़ता गया मेरा शौक। और फिर मुझे पता चला कि आर्ट का क्या एक रुझान है हमारे मुल्क में, तो उसी को फॉलो करते हुए मैंने कहा कि मैंने आर्टिस्ट ही बनना है। और उसके लिए मैं हैदराबाद से एक लाहौर आई, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। ओह लवली। तो बस उसके लिए लाहौर आ गई। लाहौर आ गई और यहाँ एनसीए में पढ़ी। कौन से ईयर में? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में। अच्छा सबसे पहले तो अपने हाथ में जो पिक्चर है वो दिखाओ हमारे देखते हैं। ऑफ कोर्स। ये गरीदा फारूकी हैं जनाब ये, और मुझे अभी बताया वीनिश के कि इनको बहुत शौक है एंकरिंग का। बिल्कुल, मुझे काफी शौक है। काफी शौक है। अच्छा, इंस्पायर हूँ। जबरदस्त। और वीनिश अगली पिक्चर दिखाओ। अगली पिक्चर ये है, कलर पैलेट मैंने बनाई है जो कि वाटर कलर में बनी हुई है। और मैं एक वाटर कलर आर्टिस्ट हूँ, मुझे वाटर कलर काफी पसंद है। इट इज अ क्विक मीडियम, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जल्दी रिजल्ट अपना देखूं कि मैं क्या बना रही हूं, तो वाटर कलर जल्दी वाटर कलर्स का ज्यादा करते हैं। ठीक हो गया जनाब, ये तो इसके और मेरे हाथ में कायदे आजम की भी पिक्चर है और ये भी बीनिश की ही पिक्चर है। बीनिश, एक स्पेशलिटी होती है हर आर्टिस्ट की, जॉनरा होता है, क्या आपका है बेसिकली? बेसिकली मैं जो काम करती हूँ वो होता है ज्यादातर स्टिल लाइफ होता है ना, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में। पोर्ट्रेट्स भी बनाती हूँ लेकिन मोस्टली जो है मैं स्टिल लाइफ करती हूँ। ठीक है, लवली लवली लवली। एनआर सिस्टर जी हमारे साथ मौजूद है, किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है जनाब आपका? हमारा अब मुहर्रम आ रहे हैं लेकिन रिसेंटली उसके बाद सॉन्ग एक है नुसरत फतेह अली खान साहब का, सोच रहा हूँ कि वो कितने मौसम थे, तो उस पे काम हो रहा है। तो आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? आज हम तराना सुनाएंगे। जरूर जरूर, हम एनआर सिस्टर से तराना सुन। पाक
زبردست زبردست تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ آپ دونوں کا وش یو ویری بیسٹ آف لک جناب آپ سے ہم اجازت لیں گے آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لیے اللہ حافظ